Good morning, students. Students, today we will study about some of the characters of Mahabharata in our 55th lesson, Mythology Crossword. Now, children, the first one. There are two columns across and down. The first one is he made a replica of Dronacharya and practiced archery before it. Now this person is Eklavya. अब एकलव्य कौन थे? एकलव्य को गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है. वो एक शिकारी निषाद के पुत्र थे. उनके अंदर इच्छा थी कि वो द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखे. और द्रोणाचार्य जो थे वो पांडव और कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखा रहे थे. तो उन्होंने एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास जाके विनती की कि वो उनसे सीखना चाहते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको नहीं सिखाया, उन्हें मना कर दिया. तो एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाने के लिए वो अभ्यास करने लगे धनुर्विद्या का, और उसके बाद वो उसमें निपुण हो गए. और महाभारत की एक कथा है जिसमें पांडव जो है वो शिकार करने गए थे और उनके साथ एक कुत्ता भी था. जब वो शिकार करने के लिए जंगल में गए तो वहीं पर एकलव्य अपनी कुटिया में धनुर्विद्या कर रहे सीख रहे थे अपने गुरु की मूर्ति के आगे. अब ये कुत्ता आकर के भौंकने लगा तो उन्होंने क्या किया, एकलव्य ने धनुष चला के उसका मुंह बंद कर दिया. और इस तरीके से धनुष चलाए थे उन्होंने मुंह को बंद करने के लिए कि वो भौंकना उसने बंद कर दिया पर उसे कोई चोट नहीं लगी. जब वो कुत्ता वापस पांडवों के पास पहुंचा तो अर्जुन को ये देखकर हैरानी हुई कि ये धनुष विद्या में इतना निपुण कौन है जिन्होंने इस तरीके से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया. तो वो कुत्ता पांडवों को एकलव्य की कुटिया तक ले गया और वहां द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या कहाँ सीखी. तो एकलव्य ने बताया कि वो तो उन्हीं को द्रोणाचार्य को भी अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उनके सामने प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं और उन्होंने इसमें दक्षता हासिल कर ली. ये देखकर द्रोणाचार्य ने उनसे एकलव्य से उसका मौका मांग लिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन से की बराबरी करने वाला या अर्जुन से अच्छा कोई धनुर्धर हो. और इसके बाद एकलव्य ने खुशी से उनको अपना अंगूठा दे दिया और अपने पैरों से धनुष चलाना सीखने लगे. नेक्स्ट वन, द एट सन ऑफ किंग शांतनु हुज ओरिजिनल नेम वाज देवव्रत. नाउ दिस पर्सन इज भीष्म. भीष्म का ओरिजिनल नाम देवव्रत है जो कि किंग शांतनु और रिवर गॉडेस गंगा के पुत्र कहलाते हैं, गंगा पुत्र भीष्म. अगर तुम लोगों ने टीवी सीरियल महाभारत देखा होगा तो तुम्हें भीष्म पितामह का कैरेक्टर मालूम होगा. थर्ड वन, द सिस्टर ऑफ दृष्टद्युम्न आल्सो कॉल्ड कृष्णा पांचाली पांचाली एंड पार्वती. नाउ दिस कैरेक्टर इज द्रौपदी. द्रुपद नरेश की पुत्री होने के कारण उनको द्रौपदी नाम दिया गया और द्रुपद जो थे वो पांचाल नरेश थे. पांचाल एक जगह है जहाँ के वो राजा थे और पांचाल नरेश की पुत्री होने की वजह से उन्हें पांचाली भी कहा जाता है. दृष्टद्युम्न और द्रौपदी इन दोनों की उत्पत्ति यज्ञ से हुई थी जो महाराजा द्रुपद ने अपने किंगडम में अपने राज्य में करवाया था. उस यज्ञ से द्रौपदी और दृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई थी.
नेक्स्ट वन, सन ऑफ किंग सुबला हु हेल्प दुर्योधन इन ड्राइविंग द पांडवास आउट ऑफ हस्तिनापुर. अब ये पर्सन है मामा शकुनी, जो कि गांधारी के भाई थे, और कहा यह जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ ही शकुनी की वजह से था, उन्होंने ही सारा खेल बचा था. ही इज कंसिडर्ड द मास्टर माइंड ऑफ महाभारत. ही वॉज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. और ये जो भीष्म पितामह थे वो धृतराष्ट्र के लिए शकुनी की बहन गांधारी का हाथ मांगने गए थे. इससे शकुनी को बहुत इंसल्ट फील हुआ, बहुत ज्यादा उनको ये लगा कि अंधे राजा के लिए वो उनकी बहन का हाथ मांगने आए थे, और इस चीज का बदला लेने के लिए वो हमेशा से ही भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए वो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहे हैं. और आखिर में महाभारत का युद्ध हुआ जिससे कौरवों का विनाश हो गया. नेक्स्ट वन, द एल्डेस्ट सन ऑफ द ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र. अब धृतराष्ट्र के जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनके 100 पुत्र थे, उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था? ही इज दुर्योधन. और इनका नाम शुरू में दुर्योधन नहीं था, इनका नाम सुयोधन था. अब हम नाम पे चले आते हैं मजल में. सन ऑफ द्रोणाचार्य हु फॉट ऑन द साइड्स ऑफ द कौरवास इन द कुरुक्षेत्र वॉर. कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले द्रोणाचार्य के पुत्र, उनका नाम है अश्वत्थामा. ही अज्यूम्ड द नेम ऑफ पल्लवा ड्यूरिंग हिज स्टे फॉर अ ईयर एट किंग विराट्स पैलेस. नाउ दिस पर्सन इज भीम. ये 5 पांडव भाइयों में से एक थे. तुम्हें 5 पांडवों के नाम मालूम होंगे. फर्स्ट है युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव. अब युधिष्ठिर तो सबसे बड़े भाई थे. जो सेकेंड थे भीम, वो अपने बल के लिए, स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, और विराट, राजा विराट के महल में वो अपने अज्ञात वर्ष के दौरान, आखिरी वर्ष जो था उस समय वो वहाँ पे रसोईया बन करके रहे, और वहाँ उनका नाम वल्लभ था. नेक्स्ट, शी वॉज नकुल्स एंड सहदेव्स मदर. नकुल और सहदेव 5 भाइयों में से जो 2 छोटे भाई थे, नकुल और सहदेव, इनकी मदर का नाम है माधुरी. और ये माधुरी जो है वो शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ मदरा किंगडम. इसी मदरा किंगडम से ही उनको माधुरी नाम से उनको बुलाया जाता था. एंड शी वॉज मैरिड टू पांडु. वो उनकी शादी पांडु से हुई थी, माधुरी और कुंती. कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माधुरी के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव. और इनके पिता पांडु थे, इसलिए इन 5 भाइयों को पांडव कहा जाता है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी कम टू लेसन नंबर 56. इट इज अबाउट फेमस पेंटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. कुछ फेमस आर्टिस्ट के पेंटिंग्स हैं. राइट द नेम्स ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ दीज फेमस पेंटिंग्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. नाउ चिल्ड्रन, इन द हेल्प बॉक्स द नेम्स ऑफ सम ऑफ द आर्टिस्ट आर गिवन. फर्स्ट वन, विंसेंट वैन गोग. सेकेंड वन,
Rembrandt. Next is Michael Angelo, Salvador Dali, Pablo Picasso, and last one, Leonardo da Vinci. These are the names of some famous artists, and they have painted some famous portraits. First one is Mona Lisa. Now, children, who has painted this painting? Now, it is first one is Leonardo da Vinci. Mona Lisa ki painting ko Leonardo da Vinci ne banaya. और कहा यह जाता है कि दिस पेंटिंग वॉज क्रिएटेड इन 1503 एंड इट इज द मास्टरपीस ऑफ इटालियन रेनेसांस. अब ये रेनेसांस क्या चीज है? रेनेसांस इज अ पीरियड. द वर्ड रेनेसांस मीन्स रीबर्थ. रेनेसांस जो है वो पीरियड है. इट इज अ पीरियड इन यूरोप वेयर देयर वाज रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम. And Mona Lisa is considered to be, she is believed to be Lisa Gherardini. इस नाम के एक पर्सन थी Mona Lisa नाम को जो बनाया गया है. Lisa Gherardini नाम की एक पर्सन थी, लेडी थी, जिसको जिससे जिसको देख करके Leonardo da Vinci ने ये Mona Lisa की पेंटिंग बनाई है. She was wife of a silk merchant in Italy. Next one, Starry Night. Starry Nights is a painting, oil painting on canvas. It was painted in 1889 and the person who has painted this painting is Vincent van Gogh. This is pronounced as Ho. And ये एक डच पेंटर थे. और ये जो पेंटिंग है इट डिपिक्ट्स द व्यू फ्रॉम द ईस्ट फेसिंग विंडो ऑफ एन ऑफ अ एसाइलम. एसाइलम क्या होता है? जहां शरण शरणार्थी आके शरण लेते हैं. कोई आश्रम हो सकता है जहां पे अगर कोई अपना अपने घर से बाहर निकला तो दूसरी जगह पर आके किसी आश्रम में वो रह रहा है तो उस जगह को एसाइलम कहते हैं. एसाइलम की खिड़की से बाहर का दृश्य स्टारी नाइट्स शो करता है. विद एडिशन ऑफ एन इमेजिनरी विलेज जस्ट बिफोर सनराइज. उस विंडो से, असाइलम के विंडो से एक इमेजिनरी विलेज है जहाँ से स्टारी नाइट्स रात का व्यू जिसमें रात में आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं इस पेंटिंग में ये शो किया गया है. एंड दिस पेंटिंग इज बाय विंसेंट वान हो. नाउ द थर्ड वन इज द नाइट वॉच. Now the painting, the night watch is painted by Rembrandt. Now this painting was painted by Rembrandt in 1642 and he is a Dutch painter. Third one, Creation of Adam. This painting is painted by Italian artist Michelangelo. माइकल एंजेलो ने इस पेंटिंग को 1508 से 1512 में पेंट किया. माइकल एंजेलो इज एन इटालियन आर्टिस्ट. नाउ दिस पेंटिंग शोज गॉड गिव्स लाइफ टू एडम. एडम इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैन ऑन दिस अर्थ. गॉड भगवान जो है
एडम को लाइफ दे रहा है और उसके बाद पृथ्वी पे जीवन शुरू हुआ। ये बाइबल की स्टोरी के ऊपर बेस्ड ये पेंटिंग है। नेक्स्ट वन, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। नाउ दिस पेंटिंग इज बाय सल्वाडोर डाली। इट इज पेंटेड इन 1931 एंड इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज एक्चुअली केप्ट इन द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यूयॉर्क सिटी। इस पेंटिंग को कहाँ रखा गया है? न्यूयॉर्क सिटी के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में। एंड द लास्ट वन, गायनिका। गायनिका इज अ पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो। ये पाब्लो पिकासो की ऑयल पेंटिंग है एंड दिस पेंटिंग वॉज क्रिएटेड इन 1937। मैं इसके साथ आपको डेट्स बताती हूँ। ये 1503 में बनाया गया। दिस वन इन 1889, द नाइट वॉच इन 1642, क्रिएशन ऑफ एडम दिस इज 1508 से 1512, persistence of memory, this painting was created in 1931 and the last one 1937। ये इन पेंटिंग्स को बनाए जाने की के ईयर्स हैं। एंड दिस पेंटिंग गायनिका दिस इज एग्जिबिटेड इन म्यूजियो रेनी सोफिया इन मैड्रिड। ये म्यूजियम का नाम है म्यूजियो रेनी सोफिया मैड्रिड में, जो कि मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। और ये जो पाब्लो पिकासो है ये भी स्पैनिश आर्टिस्ट है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लेसन, द फिल्म फैमिली ट्री। The first question here is, which former Miss World married Abhishek Bachchan in 2007? Now children, all of you know this answer. It is Aishwarya Rai Bachchan. Aishwarya Rai, she married Abhishek Bachchan and then she came to be known as Aishwarya Rai Bachchan. Next one. Which nationalist and scholar was the great grand uncle of Amir Khan? अब ये nationalist का नाम बताना है जो आमिर खान के अंकल थे। He is मौलाना अबुल कलाम आजाद। He is the leader of Indian National Independence Movement and he fought against British rule. He was involved in civil disobedience movement and in salt march. अब ये आमिर खान के अंकल है कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एंड ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड भारत रत्न। All of you know Bharat Ratna is the highest civilian award of our country. Third question, which Kapoor is Shraddha Kapoor's father? Shraddha Kapoor ke father ka naam kya hai? It is Shakti Kapoor. Tumne dekha hoga Shakti Kapoor jo ki villain ke role mein aate hain Indian film movies mein, Bollywood mein, Bollywood ke films mein. And Shraddha Kapoor is the daughter of Shakti Kapoor. Mohit Suri's mother is Alia Bhatt's father's sister. Alia Bhatt ke father, jo ki Mahesh Bhatt hai, unki behan kaun hai?
मोहित सूरी की मदर. नाउ हु इज दिस मोहित सूरी? ही इज इंडियन फिल्म डायरेक्टर. विच एक्टर इज द सन ऑफ द फॉर्मर क्रिकेटर टाइगर पतौदी? पतौदी और शर्मिला ठाकुर, उनके सन का नाम है सैफ अली खान. तुम लोगों ने नाम सुन रखा होगा, सैफ अली खान और करीना कपूर. दे आर मैरिड. करीना कपूर इज वाइफ ऑफ सैफ अली खान. और पतौदी और शर्मिला ठाकुर की पुत्री का नाम, पुत्र का नाम सैफ अली खान है. नेक्स्ट वन, हु अमंग दीज इज राज कपूर्स ग्रैंडसन? अब कुछ नाम दिए हुए हैं, अर्जुन कपूर, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, आदित्य रॉय कपूर. इसमें से राज कपूर के ग्रैंडसन कौन है? इट इज रणवीर कपूर. नेक्स्ट वन, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस इज द डॉटर ऑफ नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन? अब यहाँ पे अमर्त्य सेन जो कि नोबेल लॉरिएट है, इनका नाम तुमने सुन रखा होगा, इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में. और इनकी बेटी का नाम है नंदना सेन, जो कि एक चिल्ड्रंस ऑथर है. शी राइट्स स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ जैकी श्रॉफ सन? द नेम ऑफ जैकी श्रॉफ सन इज टाइगर श्रॉफ. तुम इन सब नामों से परिचित होगे, तुम लोगों ने फिल्म्स देख रखी होंगी इन सब फिल्म स्टार्स की. होपफुली सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. नाउ चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू विल डू दीज लेसन्स, डू द होपवर्क एंड देन सेंड द वर्क टू मी. थैंक यू चिल्ड्रन.